नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह सातवां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इस सभ्यता के विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले अपडेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा एक और दूसरा माध्यम है वीडियो प्राप्त करने का, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। फेसबुक पे हमारा एक लर्न इजी नाम का ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सभी वीडियो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या कारण था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पड़ा, और इसकी जितनी भी सारी जानकारी है वो आगे मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसकी शुरुआत। जो हड़प्पा की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक पूर्ण विकसित सभ्यता है। हड़प्पा की सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता है। इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिले में हुआ। तो हड़प्पा का जो विकास स्थल है वह मॉन्टगोमरी जिला है। जो हड़प्पा का विकास स्थल है वह मॉन्टगोमरी जिला है, ये पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में पड़ता है। उसके बाद इस जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इसका जो आभास है ये बहुत पहले से हो गया, इसका अवशेष जो है हमें बहुत पहले मिले, लेकिन इसका जो पूर्ण विकास हुआ, इस सभ्यता का जो स्थल है उनका जो पूर्ण विकास किया वो काफी बाद में हुआ, लेकिन जो इसके अवशेष हैं इनके आभास बहुत पहले मिल गया था। 1856 में इसकी शुरुआत हुई। 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आपूर्ति हेतु इन खंडरों की खुदाई करवाई, लेकिन उस समय उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि जहां से ये ईंटें जो इनकी खुदाई हो रही है वहां पर एक पूर्ण विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त होंगे। उन्होंने सिर्फ अपनी जो जरूरत थी, क्योंकि उन्हें कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछानी थी, इस वजह से उन्हें ईंटों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सिर्फ अपनी आपूर्ति के लिए ईंटों की खुदवाई कराई। उनका यहां पर इस सभ्यता को खोजने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ईंटों की खुदाई के दौरान ही वहां पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो सबसे पहले 1856 में इनके अवशेष प्राप्त होना चालू हुए। आगे यहाँ पर लिखा भी है, खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो प्रथम अवशेष मिले 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन के द्वारा जो खुदाई कराई गई उसमें प्राप्त हुए, और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। इस सभ्यता का जो पूर्ण विकास है उसको करने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसको पूरी तरीके से खोजने का जो श्रेय है वो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, इन्होंने ही सर जॉन मार्शल, जो कि तत्कालीन सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उस समय के सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, उनके निर्देशन में 1921 में हड़प्पा स्थलों की खुदाई करवाई। तो हड़प्पा का पहला स्थल 1921 में खोजा गया, जिसे राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनित होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसका नाम आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता, क्योंकि अभी तक ये अज्ञात सभ्यता है, इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा नामक स्थान में मिला, इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब बात करते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। 1922 में श्री राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के एक लरकाना जिला है, लरकाना जिले में मोहन जोदड़ो नामक एक स्थान पे उन्होंने बौद्ध स्तूप की खुदाई की। यहाँ पर नए स्थान का पता चला। लरकाना जिले के मोहन जोदड़ो नामक स्थान पर बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान श्री राखलदास बनर्जी को नए स्थान का पता चला, जिससे इन्होंने यह अनुमान लगाया
कि ये जो सभ्यता थी जिसे आप हड़प्पा सभ्यता नाम दिया जा चुका है, वह सभ्यता संभवता है, इन्होंने यहाँ पर संभावना व्यक्त की कि ये सभ्यता सिंधु नदी तक ही सीमित है, क्योंकि इसके ज्यादा स्थल खोजे नहीं गए थे उस समय तक, इसलिए इन्होंने अनुमान लगाया है कि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी तक ही सीमित थी। इस वजह से इन्होंने इस जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसको एक और नाम दिया, इन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम दिया। तो इस तरह इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अभी तक इस जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 स्थल खोजे गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 स्थल हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए हैं, जिनमें से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। 1000 स्थलों में से सिर्फ 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली, ये जो है इनको नगरों की संज्ञा दी गई है। हिसार जो है इनका एक उपनगर था। अब बात करते हैं हड़प्पा का साम्राज्य विस्तार, कहां से कहां तक हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, कहां से कहां तक हड़प्पा की सभ्यता विस्तृत थी। तो अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए गए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष पाकिस्तान और भारत में मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इस साम्राज्य का विस्तार पाया गया है। अभी तक जितना भी ज्ञात हुआ है उनमें ये स्थान हैं। ये बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, जैसा कि जो इनके क्षेत्र है उनसे पता चलता है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगा करके और जम्मू कश्मीर, भारत के गुजरात तक सीमित थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसके कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। इस सभ्यता में, यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे पश्चिमी पुरास्थल, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है। तो यहाँ से जो है तीन क्वेश्चनों का निर्माण होता है और उनके आंसर भी यहीं पे हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पश्चिमी जो पुरास्थल है वो सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। इसके अगर सबसे पूर्वी पुरास्थल की बात करें तो आलमगीरपुर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। उत्तरी पुरास्थल मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा था। आगे बात करते हैं काल निर्धारण कि किस काल में ये सभ्यता विकसित हुई थी, कब ये सभ्यता अपने विकास की ओर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है ये बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है, क्योंकि इस पे किसी भी इतिहासकार में सर्व जो सम्मति है वो नहीं बनी। सबने इसके अलग अलग कालों का निर्धारण किया जैसा जिनके विचार थे, क्योंकि ये इनका इस तरह से निर्धारण करना बहुत ही कठिन था, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर विचार व्यक्त किए। किसने क्या कहा, सर जॉन मार्शल सबसे पहले जो इसका प्रयास किया, इसकी जो काल निर्धारण का जो इसका प्रयास किया सबसे पहले कि इसका काल निर्धारण कब से कब तक था, तो जॉन मार्शल ने इसको सबसे पहले बताया 3250, जो 3250 ईसवी पूर्व से 2750 ईसवी पूर्व का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता काल था, ऐसा जॉन मार्शल ने बताया। उन्होंने बताया कि यह सभ्यता 3250 ईसवी पूर्व से 2750 ईसवी पूर्व में विकसित हुई, लेकिन जो इतिहासकार व्हीलर थे उन्होंने इसको 2500 ईसवी पूर्व से 1500 ईसवी पूर्व बताया। यहाँ पर इनके जो डिफरेंस है देखिए कितना है, इन्होंने बताया 3250 ईसवी पूर्व से 2750 ईसवी पूर्व, जबकि व्हीलर ने बताया 2500 ईसवी पूर्व से 1500 ईसवी पूर्व। तो ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा, लेकिन उसके बाद एक आधुनिक पद्धति आई जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग
C14 के नाम से जानते हैं। इस जो पद्धति थी, इस नवीन पद्धति के द्वारा हड़प्पा का काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया, जो कि सर्वमान्य है, क्योंकि यह एक बहुत ही नवीन और आधुनिक पद्धति है। इस वजह से इसको सर्वमान्य किया गया। इसके द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को हड़प्पा का काल माना गया, जो कि सर्वमान्य है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर हम ये दो विचार नहीं रखेंगे और हम रेडियोकार्बन डेटिंग के द्वारा जो काल बताया गया है उस पर ही फोकस करेंगे। तो यह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि अब ये सर्वमान्य है और इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। उसके बाद एक और विवादास्पद टॉपिक है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका निर्माण किसने किया और वहां पे निवासी कौन था, क्योंकि अगर कोई सभ्यता विकसित हुई है तो वहां पे कोई ना कोई रहता होगा और उनका कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत जरूर हुई होगी। तो ये भी एक विवादास्पद टॉपिक है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता कौन है और उसके निवासी कौन वहां पर निवास करता था। तो इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता और वहां के निवासी मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर जो विकास किया वो आर्यों ने किया, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य है और निवास करने वाले भी आर्य है। कुछ लोग सुमेरियनों को इसका निर्माता और निवासी बताते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही विवादास्पद निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी इतिहासकार में कोई भी समानता नहीं है। तो ये ऐसा टॉपिक, और इसकी अभी तक आज तक पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता था और कौन वहां पर निवास करता था। अब बात करते आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल, कौन कौन से मुख्य स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में थे। हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थल जो है ये पाया गया। हड़प्पा का जो स्थल है वो कहाँ पाया गया, मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल पाया गया। हड़प्पा के अवशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैंसर ने दी। हड़प्पा के अवशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैंसर ने दी। चार्ल्स मैंसर ने 1826 में इनके अवशेषों को होने का जानकारी दी और ये आभास दिलाया। 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को स्पष्ट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1856 में ही इसका पहले अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसा कि पीछे हमने बताया था कि जो लाहौर से कराची तक की जो रेलवे लाइन थी वहां पर इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, वहां पर खुदाई में इसकी ईंटें मिली थी। तो 1856 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा इस सभ्यता के विकसित होने में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया और ये काम 1921 में हुआ। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई का प्रारंभ कराया और वहां पर जो नेतृत्व करता थे वो थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया। जो हड़प्पा है वो लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था। हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा है वहां से दो टीलों की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर जो पूर्वी टीला था उसे नगर टीला और जो पश्चिमी टीला था उसे दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा और एक अन्य स्थल है मोहनजोदड़ो, दोनों जगह पर टीलों की प्राप्ति हुई है। तो हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए, पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से बताया गया, पुकारा गया। अब बात करते हैं हड़प्पा स्थल से कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है। जो अवशेष है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से अवशेष कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे, ये हड़प्पा स्थल से मिले महत्वपूर्ण अवशेष थे। कौन कौन से थे? एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संख का बना बैल, पीतल का बना इक्का
और ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे। ये जो ईंटे के बने वृत्ताकार चबूतरे हैं, इनका जो प्रयोग था वह संभवतः अनाज को दबाने में किया जाता था। जो इनका यूज था वो अनाज को दबाने में इसका यूज करते थे। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं वो हैं गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ के जो दाने हैं, इन दोनों के अवशेष हमें हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया गेहूं तथा जौ ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गेहूं तथा जौ के जो दाने हैं, इन दोनों के अवशेष हमें हड़प्पा स्थल से मिले हैं। हड़प्पा जो है गेहूं तथा जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसके अवशेष लड़काना जिले में मिले, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में भी दो टीले मिले हैं, इसका वर्णन उन्होंने पहले किया था कि मोहनजोदड़ो में भी दो टीले मिले हैं जिन्हें राखलदास बनर्जी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है इसकी जो खोज करता है वो राखलदास बनर्जी हैं, जबकि जो हड़प्पा स्थल है उनकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। टीलों के अतिरिक्त यहाँ पर सार्वजनिक इमारत के रूप में एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसे सार्वजनिक इमारत के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सभा भवन भी मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है, इनको भी सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में रखा गया है। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, दो टीले मिले हैं जैसा कि हड़प्पा के स्थल में मिले थे, यहाँ पर सार्वजनिक इमारत के रूप में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक सभा भवन प्राप्त हुआ और पुरोहित का आवास भी प्राप्त हुआ है। इसके जो मुख्य अवशेष हैं, जो मोहनजोदड़ो है वहां से जो मुख्य अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है सूती कपड़ा। क्वेश्चन बनता है सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़ा के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपाल खंड, कुंभकारों के 6 भट्टे, गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो तांबे का यूज होता था और इनसे हथियार या बर्तन वगैरह बनाए जाते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ से सीपी की बनी हुई पटरी, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली है। कांसे की जो मूर्ति है ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं यहाँ पर कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांसे की जो नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो सूती कपड़ा, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, सीपी की बनी हुई पटरी या स्केल जिसको बोलते हैं माप तोल करने के लिए, कुंभकारों के 6 भट्टे और हाथी का कपालखंड, ये अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण अवशेष में घोड़े के दांत मिले हैं। घोड़ों के दांतों के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगता है कि घोड़ों का लोग पालते थे, घोड़ा पालन या घोड़ों को किसी या किसी पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता था, ऐसे अवशेष मिले हैं। लेकिन जो घोड़े के दांत मिले हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता के पहले के हैं ये। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि ये जो घोड़े के दांत हैं ये सिंधु सभ्यता के ही हैं, लेकिन जिस समय मोहनजोदड़ो में ये प्राप्त हुए तो ये अनुमान लगाया गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के हैं। इस सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता होगी, उस समय के ये घोड़े के दांत के अवशेष हैं। मोहनजोदड़ो की से एक मुद्रा पर एक आकृति मिली है। जो मोहनजोदड़ो है वहां से मुद्रा प्राप्त हुई है, उस मुद्रे पर एक आकृति मिली है जिसका आधा भाग बाघ और आधा भाग मानव का है। एक बहुत ही विचित्र यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ है। इसमें एक मुद्रा मिली है और उस पर जो आकृति बनी हुई है वो आधा भाग में बाघ और आधे भाग में मानव है। अगला स्थल है हमारा
चन हुदड़ो। लेकिन चन हुदड़ो की जो चर्चा है वो हम अगले टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी पूरे नगर नहीं हुए हैं। इस वीडियो में अभी तक दो नगरों की चर्चा की गई है, इसके आगे चन हुदड़ो, रोपड़ और लोथल। इसके अलावा और नगर हैं कालीबंगा, सुतका गेंडोर, इन सभी जो नगर हैं इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे सभी वीडियो पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पर लर्न इजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा।